हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया का न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। तो रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू एफडी रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या है नया फिक्स्ड डिपॉजिट रेट और क्या इंटरेस्ट रेट करंटली प्रोवाइड कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू एफडी रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो हम लोग आ चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया का रुपए टर्म डिपॉजिट का वेब पेज में, ठीक है। तो आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और इधर आप लोग देख सकते हो डोमेस्टिक और एनआरओ सीनियर सिटीजन एडिशनल रेट और पेनल्टी डिटेल यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रुपए टर्म डिपॉजिट रेट डोमेस्टिक और एनआरओ के लिए एप्लीकेबल है। बैंक हैज रिवाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक और एनआरओ टर्म डिपॉजिट एज फॉलोस। मैच्योरिटी बकेट फिर लेस देन 2 CR के लिए एप्लीकेबल है, रिवाइज्ड विद इफेक्टिव फ्रॉम 28/7/2023 से इफेक्टिव है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये 2 crore एंड अबव के लिए है, बट लेस देन 10 crore के लिए एप्लीकेबल है जो कि 28/7/2023 से इफेक्टिव है। मैं आप लोग को लेस देन 2 CR के बारे में बताऊंगा, अगर आप लोग देखना चाहो ये आप लोग एक बार देख सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट 7 से 14 days। और ये जो मैं रेट बताने जा रहा हूँ ये नॉर्मल सीजन का इंटरेस्ट रेट है, मैं फिर आप लोग को सीनियर सीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊंगा। 7 से 14 days 3% और ये कंटिन्यू हो रहा है टिल 45 days तक। 46 से 90 days 4.50 और ये कंटिन्यू हो रहा है टिल 179 days तक। 180 से 269 days 5%। 270 days टू लेस देन 1 year 5.50%। 1 year का जो है 6% और ये कंटिन्यू है टिल 399 days तक। 400 days मॉनसून डिपॉजिट, ये एक नया डिपॉजिट स्कीम निकाला गया है बाय बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि 7.25 यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। 401 days टू लेस देन 2 years 6%। 2 year टू लेस देन 3 years 6.75। 3 year टू लेस देन 5 years 6.50। 5 year टू लेस देन 8 years 6%। 8 year एंड अबव टू 10 year 6%। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिनिमम डिपॉजिट जो है 10,000 के लिए एप्लीकेबल है। आप लोग मिनिमम डिपॉजिट 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो एक्सेप्ट कोर्ट ऑर्डर और स्पेशल डिपॉजिट कैटेगरी, ठीक है। सीनियर सिटीजन एज 60 years अबव होना चाहिए बट लेस देन 80 years और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 80 years एंड अबव होना चाहिए, ठीक है। एडिशनल रेट जो है 25 BPS ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग 50 BPS विल बी पेड टू सीनियर सिटीजन, ठीक है। ऑन रिटेल टर्म डिपॉजिट लेस देन 2 CR फॉर ऑल टेन्योर ऑफ 3 year एंड अबव दैट इज 75 BPS, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सुपर सीनियर सिटीजन केस में भी 40 BPS और एग्जिस्टिंग एंड अबव द एग्जिस्टिंग 50 BPS यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है, जो कि टोटल मिलता है 90 BPS के आसपास, ठीक है। और इसमें जो है 3 years के अबव आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ सीनियर सिटीजन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेट फॉर सीनियर सिटीजन और स्टाफ के लिए एडिशनल 1.50 एक्स्ट्रा आप लोग को मिल जाएगा फॉर स्टाफ और एक्स्टाफ सीनियर सिटीजन केस के लिए और स्पाउस इन केस ऑफ डिसेस स्टाफ और एक्स्टाफ, ठीक है। और बिलो 2 crore के लिए एप्लीकेबल रहेगा फॉर टर्म डिपॉजिट ऑफ 6 months एंड अबव टू 10 years। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीनियर सिटीजन केस में मैच्योरिटी फॉर डिपॉजिट लेस देन 2 CR विद इफेक्टिव फ्रॉम 28/7/2026 से एप्लीकेबल है। और उसी तरह ये वाला पार्ट जो है फॉर डिपॉजिट ऑफ लेस देन 2 CR रिवाइज्ड रेट फॉर सुपर सीनियर सिटीजन केस विद इफेक्टिव फ्रॉम 28/7/2023 7 से 14 days 3% दोनों केस में है और ये कंटिन्यू हुआ टिल 45 days तक। 46 से 90 days 4.50 दोनों केस में सेम है और ये कंटिन्यू हुआ टिल 179 days तक। 180 से 269 days 5.50 फॉर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 5.65। 270 days टू लेस देन 1 year 6% फॉर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 6.15। 1 year का जो है 6.50 फॉर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 6.65। अबव 1 year टू लेस देन 399 days 6.50 फॉर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 6.65। 400 days मॉनसून डिपॉजिट जो कि स्पेशल टेन्योर है 7.75 सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 7.90। 401 days टू लेस देन 2 years 6.50 और यहाँ पे 6.65। 2 year टू लेस देन 3 years 7.25 फॉर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 7.40 और ये कंटिन्यू टिल 5 years तक। 5 year टू लेस देन 8 years 6.75 फॉर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 6.90 और ये कंटिन्यू टिल 10 years तक, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जहाँ पे सिंगल हैश मार्क है सीनियर सिटीजन केस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एज 60 इयर्स एंड अबव होना चाहिए बट लेस देन 80 इयर्स। और जहाँ पे डबल हैश मार्क है सुपर सीनियर सिटीजन एबव एज 80 इयर्स एंड अबव। और मिनिमम जो है 10,000 से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो एफडी। तो ये था नॉर्मल सिटीजन का, सुपर सीनियर सिटीजन का और सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 28 जुलाई 2023 से। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विनय टेक। थैंक यू।